हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई स्टडी। एक नई वीडियो में एक नई अपडेट के साथ आप लोगों का स्वागत है। आरआरबी एनटीपीसी, जो रेलवे एनटीपीसी का एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया था, उसके लेवल 6 के रिजल्ट एक एक आरआरबी के द्वारा जारी किए जा रहे हैं। किस किस आरआरबी ने लेवल 6 का जो कंप्लीट रिजल्ट है वो जारी कर दिया, मैं आप लोगों को लिस्ट दिखा देता हूँ। ये आप लोगों की चेन्नई, बेंगलुरु, सिलीगुड़ी, गुवाहाटी, रांची, सिकंदराबाद, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, उसके बाद आप लोगों के भोपाल होगी, तिरुवनंतपुरम होगी, बिलासपुर, मालदा, और आज यानी कि अभी अभी 14 नवंबर को आरआरबी जम्मू कश्मीर ने भी अपना जो रिजल्ट है लेवल 6 का वो जारी कर दिया गया है। तो टोटल नंबर ऑफ आरआरबी जो आज कंप्लीट हो चुके हैं, तो 13 आरआरबी ने लेवल 6 के कंप्लीट रिजल्ट जारी कर दिए हैं, जो इन लोगों ने सिलेक्टेड पैनल जारी किया है। अब मैं आप लोगों को उसके बाद बता देता हूं जो आप लोगों का जो लेवल 5 का मोस्ट अवेटेड है, कि लेवल 5 में किस किस आरआरबी ने अपना रिजल्ट जारी कर दिया है। तो आरआरबी चेन्नई ने अपना रिजल्ट जारी कर दिया लेवल 5 का। इसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 28 नवंबर से लेकर के 12 दिसंबर के बीच कंडक्ट करवाया जाएगा। उसके बाद आरआरबी सिलीगुड़ी जो है आप लोगों की, इसने भी लेवल 5 का सिर्फ एक पोस्ट के लिए, गुड्स गार्ड के लिए रिजल्ट जारी कर दिया है। तो मैंने आप लोगों को लेवल 5 का बता दिया कि किस लेवल 5 में किस आरआरबी ने अपना रिजल्ट जारी कर दिया गया है। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं तो किस आरआरबी ने जो टाइपिंग का रिजल्ट वो जारी कर दिया है। तो वो कौन कौन सी आरआरबी, मैं आप लोगों को बता देता हूँ। चेन्नई, चंडीगढ़, सिलीगुड़ी, इन लोगों ने अपनी जो टाइपिंग का रिजल्ट था लेवल 5 की, उसका रिजल्ट जारी कर दिया। ये लिस्ट आप लोग चेक कर सकते हैं। टोटल 9 आरआरबी हैं जिन्होंने टाइपिंग का रिजल्ट जारी किया है। अभी भी बहुत सारी आरआरबी ऐसे जिन्हें टाइपिंग का रिजल्ट जारी नहीं किया है, तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि किस आरआरबी ने टाइपिंग का रिजल्ट जारी कर दिया है। एटलीस्ट आप लोगों को पता होना चाहिए कि आपकी टाइपिंग का रिजल्ट जारी हुआ है या नहीं हुआ है। यहाँ से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं जो अभी जो लेटेस्ट नोटिस आया, आरआरबी जम्मू का नोटिस आया। ये आरआरबी जम्मू ने जो अपना लेवल 6 का फाइनल पैनल जारी कर दिया है कि किस किस कैंडिडेट को फाइनल अपॉइंटमेंट दी जाएगी। ये नोटिस आज ही यानी 14 नवंबर को रिलीज़ किया गया है। इसमें इन लोगों ने जो कमर्शियल अप्रेंटिस है उसमें 2 लोग को सिलेक्ट किया है, 2 ही वैकेंसी थी, दोनों लोगों को सिलेक्ट कर लिया है। अब इन लोगों को फाइनल अपॉइंटमेंट दिया जाएगा, आप लोग चेक कर सकते हैं। उसके बाद जो आप लोगों की स्टेशन मास्टर की पोस्ट है उसका भी इम्पैनल जारी कर दिया है। आप लोग कैसे चेक कर सकते हैं, यहाँ से रोल नंबर देख लेना, यहाँ से अपना नाम वगैरह चेक कर लेना, ये कम्प्लीट लिस्ट मिल जाएगी आप लोगों को जो स्टेशन मास्टर की पोस्ट के लिए है। इसमें हम लोग देख लेते हैं कि टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट जो इन लोगों ने सिलेक्टेड किए हैं वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो यहाँ ये लिस्ट एंड हो जाती है। टोटल नंबर ऑफ 299 कैंडिडेट इन लोगों ने फाइनली सिलेक्ट किए हैं लेवल 6 की स्टेशन मास्टर की पोस्ट के लिए। अब मैं आप लोगों को बता देता हूं कि लेवल 6 की आरआरबी जम्मू में टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी थी। तो इसमें आप लोगों की वैकेंसी थी 322 आप लोगों की स्टेशन मास्टर की थी, देन 2 वैकेंसी कमर्शियल अप्रेंटिस की थी। कमर्शियल अप्रेंटिस की वैकेंसी फिल हो चुकी है दोनों, लेकिन अभी इसमें जो इन लोगों ने स्टेशन मास्टर की सिर्फ और सिर्फ 299 वैकेंसी फिल की है, मीन्स 22 और एक 23 वैकेंसी अभी खाली है। अब इसके हिसाब से ये लोग क्या करेंगे, जो 23 वैकेंसी है उनके लिए फिर से 23 कैंडिडेट की फिर से लिस्ट जारी करेंगे। 23 कैंडिडेट की लिस्ट जारी की जाएगी, थोड़ी सी कट ऑफ डिक्रीज करके उन 23 कैंडिडेट का ये लोग फिर से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल कंप्लीट करवाएंगे। अगर वो 23 के 23 फिट पाए जाते हैं तो उन्हें लेवल 6 की जॉब दी जाएगी। उसके बाद अगर उसमें से कुछ कैंडिडेट, मान लीजिए 5 या 10 कैंडिडेट फेल हो जाते हैं मेडिकल में, तो ये फिर से आप लोगों का जो है नेक्स्ट राउंड करवाएंगे, राउंड 3 करवाएंगे। फिर उसमें से जो रिमेनिंग सीट बचेंगे उन कैंडिडेट का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंडक्ट करवाए जाएंगे। तो इसी तरीके से ये लोग लेवल 6 का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट करवाया जाएगा। अभी नेक्स्ट राउंड 2 होगा, बता दिया इन लोगों ने। द रिमेनिंग वैकेंसी अराइजिंग ड्यू टू मेडिकल अनफिट लेवल आउट असेंबली रिजेक्टेड केस विल बी फिल्ड अप आफ्टर केयरिंग एलिजिबल एडिशनल कैंडिडेट फॉर द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन राउंड 2। यानी कि इसके बाद जो आप लोगों की 23 वैकेंसी बची है वो राउंड 2 में फिल की जाएगी। अगर वो राउंड 2 में भी फिल नहीं होती है देन राउंड 3 में फिल की जाएगी। इसी तरीके से एक एक करके अपने सारे लेवल कंप्लीट करेंगे। तो यही इन्फॉर्मेशन देनी थी। अगर आप लोगों को मेरे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। जैसे ही रेलवे की ओर से किसी और आरआरबी का रिजल्ट जारी किया जाएगा उसकी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मेरे द्वारा सबसे पहले दे दी जाएगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।